नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर 12 से। प्रदेश भर में गोवंश में लगातार फैल रहे लंपी वायरस को देखते हुए रविवार को खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, गोपालन आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन, नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने श्रो कोमाचन गौशाला का निरीक्षण किया और गोपालन व पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें लंपी स्किन डिजीज की बीमारी के बारे में सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाया गया। वहीं गौशाला में चारा, पानी व अन्य सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए वक्त शीघ्र गौशालाओं में समस्याओं का समाधान करें। बैठक में कुचामन सिटी नगर परिषद सभापति आशिफ खान, उपसभापति हेमराज चावला, गौशाला अध्यक्ष नंद किशोर बिरला सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अभी परसों वीसी के माध्यम से राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी साथ ही मंत्री परिषद के सभी साथीगण सभी की बैठक ली और उन्होंने जो निर्देश दिए कि इसके लिए सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाए,